नमस्कार, मेरा नाम हरदेविंदर। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पाइथन में प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यदि आप 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हो और आपने ऑप्ट किया हुआ है कंप्यूटर साइंस, उसका कोड है 083, या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, उसका कोड है 065, तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है पाइथन में, जिसकी प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए SQL के साथ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे आप प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, कैसे उसका डेमोस्ट्रेट दे सकते हैं अपने एक्सटर्नल एग्जामिनर को, ताकि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सको। तो इसमें मैं पूरी डिटेल में आपको प्रोजेक्ट का डेमोस्ट्रेशन भी दिखाऊँगा। एक लाइव प्रोजेक्ट रन करेंगे हम, मैं आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रोजेक्ट बनाना है और कैसे इसको रन करना और कैसे डेमोस्ट्रेट करना है स्कूल रिजल्ट रिकॉर्ड सिस्टम में सेकेंडरी क्लासेस के लिए। तो पहले थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। CBSE की जो प्रोजेक्ट है ये 11 मार्क्स का है, जिसमें 8 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट एंड 3 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट वाइवा बोस है। तो टोटल 11 मार्क्स आपने इसके ये आपका प्रोजेक्ट होगा 11 मार्क्स का, और आपके टोटल रिपोर्ट फाइल होगी जो 9 मार्क्स की होगी, जिसमें आपने 15 प्रोग्राम बनाने और 10 मार्क्स का आपका एक लैब टेस्ट होगा। तो फिलहाल हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, प्रोजेक्ट वाइवा बोस 11 मार्क्स पे। तो जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से CBSE ने क्लियरली अपने सिलेबस में मेंशन किया है कि जो दो या तीन स्टूडेंट्स मिलके एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, 6 महीने में वो एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, और कम से कम 500 लाइंस कोडिंग की होनी चाहिए, और प्रोजेक्ट टेंजिबल होना चाहिए और यूज़फुल होना चाहिए। तो ये कोई प्रोजेक्ट है जो आप फ्यूचर में यूज़ कर सकें, जो किसी का काम इजी करे। तो उन्होंने कहा है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए आपको बाहर किसी एंटरप्रेन्योर का सर्वे करना होगा, कुछ एग्जाम्पल्स भी उन्होंने दिए हैं, तो वहाँ पे देखना कि कैसे काम होता है और उसका काम ईजी करने के लिए आपने प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो इन सभी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। तो आप अपने स्कूल के लिए भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उन्होंने स्पेसिफिकली मैंशन किया। तो हमने एक स्कूल के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया है, स्टूडेंट्स रिजल्ट रिकॉर्ड सिस्टम फॉर हायर सेकेंडरी क्लासेस। तो इस प्रोजेक्ट को मैं आपके सामने डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ। तो उससे पहले मैं बता दूं कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़ कर रहे हैं Ubuntu, और आपके पास पाइथन का IDE होना चाहिए। तो हम इसमें एनाकोंडा यूज़ कर रहे हैं, एनाकोंडा के अंदर स्पाइडर यूज़ कर रहे हैं, और MySQL की कनेक्टिविटी की हुई है, और इसको इंस्टॉल्ड होना जरूरी है आपके सिस्टम में कोई भी पाइथन IDE और MySQL। तो हमने इसमें एनाकोंडा और स्पाइडर, एनाकोंडा के थ्रू स्पाइडर इंस्टॉल किया हुआ है, और इसके थ्रू हमने SQL की कनेक्टिविटी की हुई है और SQL इंस्टॉल किया हुआ है हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम Ubuntu में। आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंगली, जैसे आपके पास विंडोज़ है या मैक है, उसके हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट अपना जो IDE है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं, डेमोस्ट्रेट देते हैं आपको। तो शुरू करते हैं प्रोजेक्ट को। एनाकोंडा में हमें प्रोजेक्ट रन करने के लिए, एनाकोंडा रन करने के लिए Ubuntu के अंदर टर्मिनल खोलना होता है, इसके शॉर्टकट है Ctrl+Alt+T। इसमें मैंने लिखना है एनाकोंडा, ये थोड़ा सा समय लेता है ओपन होने में। तो उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ, इसमें मैंने पहले से ही एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल कर रखा है, और इसके अलावा SQL भी इंस्टॉल कर रखा है। तो आपने भी अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, जहाँ पे आपने डेमोस्ट्रेट करना अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर पे, जो भी डेस्कटॉप कंप्यूटर पे, तो आपने ये पहले से प्लेटफॉर्म्स इंस्टॉल करके रखने होंगे आपके। तो स्पाइडर लॉन्च करते हैं। स्पाइडर में हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है, तो थोड़ा समय लगेगा इसको ओपन होने के। ऑलरेडी डेटाबेस बनाया हुआ है डेटाबेस सब्जेक्ट्स के नाम से, और उसके अंदर एक टेबल बनाया गया है स्टूडेंट्स, जिसमें हमने स्टूडेंट्स का रिजल्ट
एंटर करना है, डिस्प्ले करना है, और मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट है, इसको रन करेंगे आपके सामने और देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे इसमें डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, मैंने ये MySQL कनेक्टर इम्पोर्ट किया है था जो हम इसकी कनेक्टिविटी SQL के साथ कर सकें। तो ऑलरेडी ये यूज़र डिफाइन किया हुआ है और डेटाबेस सब्जेक्ट बनाया हुआ है लोकल होस्ट पे, और टेबल ऑलरेडी बना हुआ है स्टूडेंट्स और क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ये प्रोजेक्ट रन हो गया आपके सामने। इसमें हमने 7 ऑप्शंस दिए हैं। पहली है कि अगर आपने विद्यार्थी ऐड करना है, उसके बाद मॉडिफाई करना है, मार्क्स एंटर करने हैं, व्यू करना है रिकॉर्ड, रिजल्ट समरी देखनी है या रिकॉर्ड डिलीट करना है, और लास्ट ऑप्शन अगर हमने प्रोग्राम से एग्जिट करना है। सबसे पहले हम पहली ऑप्शन चेक करते हैं, ऐड स्टूडेंट। तो ऐड करने के लिए एक दबाएंगे और एंटर दबाएंगे तो उसे पूछेगा नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, वो जो आपने नेम रखना है सेम। उसके बाद ये पूछेगा कि जो हरविंदर सिंह का है उसकी स्ट्रीम कौन सी आप ऑप्ट करना चाहते हैं, वो मान लो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। हम चाहते हैं कि वो कॉमर्स ऑप्शन जो सही है, कॉमर्स ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आप इंटर दबाओगे। जो सब्जेक्ट 1 है इंग्लिश, उनको ऑटोमेटिकली अलॉट हो गया। सब्जेक्ट 2 अकाउंटेंसी, उनको अलॉट हो गया, और सब्जेक्ट 3 उनका बिजनेस स्टडी सब ऑप्ट हो गया। फिर चौथे सब्जेक्ट के लिए हमने उनको ऑप्शन दिया है कि वो इकोनॉमिक्स ऑप्ट करना चाहते हैं या मैथमेटिक्स ऑप्ट करना चाहते हैं। तो मान लो ऑप्ट करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स, एंटर दबाएंगे। और पाँचवें सब्जेक्ट के लिए फिर से ऑप्शन है कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, म्यूजिक वोकल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, आर्ट एंड क्राफ्ट या डांस में से कौन सा सब्जेक्ट वो एज ए अपना पाँचवा विषय लेना चाहते हैं। मान लो उनका जो चॉइस है पाँचवें विषय के लिए 2 नंबर है, जो है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, 2 दबा देंगे। आपको बता दूँ पहले से ही सब्जेक्ट 1 इंग्लिश, सब्जेक्ट 2 अकाउंटेंसी और सब्जेक्ट 3 बिजनेस स्टडी ऑटोमेटिकली अलॉट हो गए जैसे उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम को चूज़ किया। और सब्जेक्ट 4 के लिए हमने ऑप्शन रखी हैं 2, उनमें से एक चूज़ करनी है, और सब्जेक्ट 5 के लिए हमने ऑप्शन रखी हैं 7, जिसमें से एक उन्होंने चूज़ करनी है। तो इसके साथ ही रिकॉर्ड ऐड हो गया है। तो हमने व्यू करना है जो अभी हमने रिकॉर्ड ऐड किया है, वाकई में ऐड हो भी गया है या नहीं, इसके लिए हमारे पास 4th ऑप्शन है व्यू रिकॉर्ड्स। 4 नंबर दबाएंगे तो उसके बाद सब मेन्यू खुल के आ गया कि जो डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ सिंगल स्टूडेंट, डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ स्ट्रीम वाइज, डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ ऑल। मान लो मैंने सिंगल स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना जो मैंने अभी भी ऐड किया, तो 1 नंबर दबाएंगे, एंटर दबाएंगे। हमारे पास पूरी लिस्ट तो आ गई है जिसको हमें चेक करना है कि इनमें से अभी हमने 29 नंबर रिकॉर्ड एंटर किया है हरविंदर सिंह का, इसको व्यू करना है। ये लिस्ट आ गई है कि इनमें से कौन सा रिकॉर्ड आपने व्यू करना है, उसका रोल नंबर एंटर कीजिए। मान लो मैंने 29 नंबर का रिकॉर्ड है जो व्यू करना है, तो 29 नंबर में ऑलरेडी हम डिस्प्ले कर रहे हैं कि 29 में हरविंदर सिंह है, उनका पहला सब्जेक्ट इंग्लिश है, नन उनके मार्क्स हैं, तो मार्क्स अभी हमने एंटर नहीं किए। दूसरा अकाउंटेंसी, तीसरा बिजनेस स्टडी और चौथा इकोनॉमिक्स, एंड पाँचवा सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन और प्रैक्टिस, मतलब अपना रिकॉर्ड जो ऐड हो चुका है। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास मॉडिफाई रिकॉर्ड। मॉडिफाई के लिए हम 2 दबाएंगे। मॉडिफाई में हम ये देखने हैं कि जो अभी हमने रिकॉर्ड एंटर किया या कोई भी रिकॉर्ड एंटर किया उसका कोई नेम विद्यार्थी का गलत चल के उसको एडिट करना है या चेंज करना है, या स्ट्रीम चेंज करनी है, या मार्क्स एडिट करने हैं। तो 3 ऑप्शन हैं, हम पहली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि हमने मान लो नाम एंटर करना है, एडिट करना है, तो 1 नंबर दबाएंगे। तो किसका नाम एडिट करना है, जो 29 नंबर रिकॉर्ड है उसका नाम एडिट करना है, तो 29 दबाएंगे और नाम क्या रखना है, एंटर करेक्ट नेम हरविंदर सिंह, और इसके बाद नाम चेंज हो गया। दोबारा से फिर मॉडिफाई में चेक करते हैं। मॉडिफाई में 3 ऑप्शन हैं। मान लो उन्होंने स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम चूज़ करनी थी और गलती से कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ कर लिया, तो क्योंकि स्ट्रीम चेंज करने के लिए हम 2 दबाएंगे दोबारा से, 2 दबाएंगे। इसकी स्ट्रीम चेंज करनी है 29 नंबर कॉल की, और हमने कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करनी है, अब 1 साइंस,
तो ये सब्जेक्ट ऑलरेडी अलाउट हो गए हैं। और फोर्थ सब्जेक्ट के लिए बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में ऑप्शन है, तो हमने ऑप्ट करना है मैथमेटिक्स। उसके बाद फिफ्थ सब्जेक्ट के लिए ऑप्शन है, हमने ऑप्ट करना है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो अब हम दोबारा से व्यू करते हैं, फोर्थ रिकॉर्ड में जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन है व्यू रिकॉर्ड के लिए, और एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेक करना है एक नंबर दबाएंगे, और किसका चेक करना है 29 नंबर का और चेक करना है। देखिए इन्फॉर्मेशन चेंज हो गया, पहले का सब्जेक्ट इंग्लिश के बाद अकाउंटेंसी था, अब इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस हो गया, तो ऑप्शन चेंज हो गया आपका रिकॉर्ड। तो उसके बाद तीन नंबर ऑप्शन है एंटर मार्क्स, तो अगर विद्यार्थियों के मार्क्स एंटर करने हैं तीन नंबर दबाओगे तो मार्क्स एंट्री मोड, तो आपने किस सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करने हैं। आप इंग्लिश के अध्यापक हैं तो इंग्लिश के मार्क्स एंटर करेंगे, फिजिक्स के अध्यापक हैं फिजिक्स के मार्क्स एंटर करेंगे, केमिस्ट्री के अध्यापक हैं केमिस्ट्री के मार्क्स एंटर करेंगे। तो चूज़ करना है कि किस सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करना चाहते हैं आप। मान लो वो फिजिक्स के अध्यापक हैं और दो नंबर दबाएंगे, तो ये वही नॉर्म शो करेंगे फिजिक्स के लिए जिन्होंने फिजिक्स ऑप्ट कर रखी है, जिनकी साइंस स्ट्रीम है, जिनकी स्ट्रीम साइंस नहीं है उनके नेम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है। जैसे हरविंदर सिंह है पहले नंबर पे, उन्होंने साइंस स्ट्रीम ऑप्ट कर रखी है, तो उनके फिजिक्स के मार्क्स हम एंटर कर पाएंगे। मान लो उनके मार्क्स हैं 99 फिजिक्स में। देखिए दो और तीन इसलिए मिसिंग है, रोल नंबर फोर इसलिए आया सीधा मुख्यमंत्री, क्योंकि इन्होंने दो और तीन जो रोल नंबर है उन्होंने साइंस स्ट्रीम के अलावा कोई और स्ट्रीम चूज़ की होगी, तो इसलिए डायरेक्ट फोर्थ रोल नंबर पे हैं हम जिन्होंने साइंस स्ट्रीम ऑप्ट की है, इनके 70 मार्क्स हैं। और सीधा नाइन पे गए हम बिकॉज जो 5, 6, 7, 8 हैं उनके पास साइंस स्ट्रीम नहीं होगी, तो यहाँ पे वही ऑप्शन शो होगी जिनके पास फिजिक्स ऑप्ट की हुई है, तो उन्हीं के मार्क्स हम एंटर कर पाएंगे। 90 है और 17 के हैं, 45, 90, 44, 43 जो अभी अभी हमने लास्ट रिकॉर्ड जो अभी हमने एंटर किया है उनके मार्क्स हम एंटर कर सकते हैं। तो ये था एंटर मार्क्स करने के लिए, और हम व्यू रिकॉर्ड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आखिर में है रिजल्ट समरी, अगर हमने रिजल्ट समरी देखी है तो हम 5 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट, पाँच नंबर में हमने देखा कि ये रिजल्ट समरी आ गई है जिसमें 100 मार्क्स लेने वाले इस एक ही सब्जेक्ट के मार्क्स हैं इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में एक विद्यार्थी ने, और 95 से 99 में फिजिक्स में दो विद्यार्थी हैं और केमिस्ट्री में एक विद्यार्थी है और मैथमेटिक्स में एक विद्यार्थी है, और बाकी सब्जेक्ट्स में या तो मार्क्स एंटर नहीं हुए हैं या इनके इनमें कोई भी विद्यार्थी 95 और 99 की बीच की रेंज में नहीं है। तो जो 90 और 95 की रेंज में है उसमें इंग्लिश और फिजिक्स के ही विद्यार्थी हैं और दोनों में एक एक विद्यार्थी है, तो उसके हिसाब से ग्रुपिंग की हुई है कि किस रेंज में कितने स्टूडेंट और किस किस सब्जेक्ट में है। जिस सब्जेक्ट की रेंज में कोई भी स्टूडेंट नहीं है, मान लो 50 और 60 की रेंज में इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में एक भी स्टूडेंट नहीं है, तो वो रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा। तो अगर डिस्प्ले नहीं हुआ तो मीन्स इस रेंज में उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई स्टूडेंट है ही नहीं, अगर एक भी होगा तो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, ये है रिजल्ट समरी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है 6 नंबर, ये आपने रिजल्ट रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो इसके लिए 6 दबाओगे। कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, 29 नंबर जो अभी अभी हमने एंटर किया है सपोज हमने वो डिलीट करना है, तो आप 29 एंटर कर दोगे तो वो रिकॉर्ड आपका डिलीट हो गया, 1 रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड। अगर आप दोबारा से चेक करोगे 4 नंबर दबाओगे, तो उसके बाद चेक करेंगे डिस्प्ले और रिकॉर्ड्स, 3 नंबर दबाएंगे और रिकॉर्ड्स, अब देख रहे हैं 28 तक डिस्प्ले हो रहे हैं, 29 डिस्प्ले नहीं हो रहा बिकॉज हमने 29 को डिलीट कर दिया आपके सामने। तो अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो 7 दबाओगे तो एग्जिट हो जाएगा। तो विद्यार्थी ये था आपका जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देख सकते हैं आप इसका, ऐसे ये प्रोजेक्ट आपका पाइथन में स्टूडेंट्स का रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर हायर क्लासेस। टोटल अगर आप देखो तो इसकी हमने टोटल जो कोडिंग की है, CBSE की रिक्वायरमेंट है 500 लाइंस कम से कम होनी चाहिए, तो ये सॉफ्टवेयर टेंजिबल भी है और देखें तो कम से कम इसकी जो लाइंस हैं
1168 लाइंस हैं जो टोटल कोडिंग की गई है। तो ये उस रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करती है, कम से कम से 6 महीने इस प्रोजेक्ट को बनाने में ये भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है। तो इस तरह का ये प्रोजेक्ट आप कोई भी, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, सुपर मार्केट है, या कोई गेम है, तो आप MIS की फॉर्म में या गेम्स की फॉर्म में कोई भी प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर भी कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, हम आपको कॉल बैक करके आपके साथ कॉन्टैक्ट कर लेंगे उसके संबंध में। अगर आपको इसकी तरह की कोड की कोई कोडिंग भी चाहिए, कोई कोडिंग की फाइल चाहिए, या आपको PDF फाइल चाहिए कोडिंग की, उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, हम आपको कॉन्टैक्ट करके ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसकी अगर आपने प्रिंट आउट लेने हैं, तो इसके लिए आप सिंपल एनाकोंडा में ऑप्शन होती है प्रिंट की, फाइल में जाके प्रिंट की ऑप्शन है, तो हम इसको प्रिंट कर सकते हैं या एज ए PDF सेव कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पे इसको एज ए PDF सेव करता हूँ, और सेव हो गया। अब देखोगे ये PDF यहाँ पे बन गया है, ये सारी कोडिंग जो अभी वो दिखाया डेमोन्स्ट्रेशन, उसकी कंप्लीट कोडिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सारा जो हमने प्रोजेक्ट तैयार किया है, इसकी MySQL के साथ भी कनेक्टिविटी है, वो शो करने के लिए आपको दिखाते हैं कैसे। यहाँ पे रन करते हैं MySQL, MySQL subject select, तो ये ऑलरेडी टेबल जो है बना हुआ है, जिसमें हमने सारा रिकॉर्ड जहाँ से फेच कर रहे हैं, रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, ये SQL के अंदर कमांड्स के जरिए यहाँ पे फेच हो रहा है। तो ये कनेक्टिविटी होनी भी आपके इसमें ज़रूरी है आपके प्रोजेक्ट में। तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, अगर आपको किसी तरह की भी कोई हेल्प है की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। यार और भी इस तरह की कोई वीडियो किसी और इस सेम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी आपको प्रोजेक्ट आपके टीचर्स ने असाइन किया है, वो आप लिख दीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपकी हेल्प के लिए हम बिल्कुल अवेलेबल होंगे। और आपको प्रोजेक्ट फाइल के अलावा प्रैक्टिकल्स में भी दिक्कत है, जैसे 15 प्रोग्राम्स बनाने हैं प्रैक्टिकल फाइल के लिए, उसमें कम से कम 5 प्रोग्राम SQL कनेक्टिविटी के होने चाहिए, उस तरह की भी कोई रिक्वायरमेंट है, सोर्स कोड की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपके लिए होप करते हैं, विश करते हैं कि आपका प्रैक्टिकल अच्छा जाए, और आप 6 मार्क्स के साथ प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स, और फाइनल में आप 70 मार्क्स थ्योरी में, और टोटल 100 मार्क्स आप IP में इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस या कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में ले पाएँ, ये हमारा विश है आपके लिए। तो आपके नया साल 2020 आने वाला आपके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद।